इसकी गाड़ी चल रही है तो उसका घर खर्चा सब चल सकता है इससे? घर खर्चा चल सकता है उस दूसरे की नौकरी करने से अच्छा 10,000 रुपए महीने में। हाँ जी है, दूसरे का नौकर बनने से अच्छा है अपना मालिक बनी रहो। मालिक लोकल की भाड़ी कैसे चलाते हैं? लोकल का भाड़ा कम से कम 20 से 22 रुपए किलोमीटर। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे अपन को गाड़ी जैसे भाड़ी पे लगाना है स्टार्टिंग में जिनकी नहीं चल रही है, तो कुछ सोल्यूशन बताइए उसके लिए। उसके लिए किसी के पास भी जाएंगे तो तुरंत कोई हाँ नहीं बोलेगा कि हाँ हाँ हमारा माल ले जाओ, भाई उसको पहचानना भी तो जरूरी है कहाँ के हो आप कैसे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप एक पिकअप लेना चाहते हैं या अपन ने पिकअप ली है तो भाड़ी पर कैसे चलाएं, मतलब किस हिसाब से भाड़ा लेना चाहिए, किस हिसाब से अपन को तय करना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है अगर आप पिकअप वगैरह लेने की सोच रहे हैं या आपने ले ली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना कि गाड़ी के साथ क्या क्या रखना पड़ता है, कैसे भाड़े तय करने पड़ते हैं, यानी कैसा पैसा लेना पड़ता है और कैसे कितना तक बचता है, वो भी सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। और नीरज भाई बताइए कैसे हो? बस बढ़िया है भाई, हेलो फ्रेंड। अच्छा ये बताइए नीरज भाई, अभी गाड़ी कहाँ पे चला रहे हैं? गाड़ी अभी तो फुटकर चल रही है, मतलब सभी जगह फुटकर चल रही है। तो अच्छा ये बताइए जो अपन ने पहले वीडियो बनाए थे गाड़ी वगैरह कैसे क्या चलाते हैं, जैसे जब तो डीजल कम का था तो बात अलग थी, लेकिन अब जैसे डीजल के रेट ज्यादा हाई हो गए हैं और गाड़ी कैसे क्या मतलब अब किलोमीटर से चल रही है? अपन तो 15 रुपए प्लस खर्चा में चला रहे हैं, ठीक है। और बहुत से नए गाड़ी वाले हैं तो वो 13 रुपए में भी चला रहे हैं, 14 में भी, तो उसमें बचता कुछ नहीं है, लेकिन अपन 15 रुपए किलोमीटर में ही चला रहे हैं। और लोकल की भाड़ी लोकल के हिसाब से है। लोकल की भाड़ी कैसे चलाते हैं? लोकल का भाड़ा कम से कम 20 से 22 रुपए किलोमीटर। और इसमें जैसे फिक्स में भाड़ा नहीं देते, जैसे कि अपनों को फिक्स में लेना है भाड़ा तो फिक्स में ले सकते हैं अपन, तो 16 रुपए गुणा कर दी जैसे बाहर जा रही कहीं। आजकल फिक्स में कोई नहीं भेजता, फिक्स में नहीं भेजता कोई, पार्टी जाती साथ में, खर्चा पानी सब उनका रहता। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे अपन को गाड़ी जैसे भाड़ी पे लगाना है स्टार्टिंग में जिनकी नहीं चल रही है, तो कुछ सोल्यूशन बताइए उसके लिए। उसके लिए यार इस समय तो कोई सोल्यूशन नहीं है, कहीं की भी मंडी नहीं चल रही है गाड़ियों की। है मार्केट है, लेकिन जो लोकल का हमेशा जुड़ा हुआ है उससे बाहर गाड़ियां तो बहुत कम चलती, क्योंकि हम लोग तो सब्जी वाले हैं, कच्चे माल वाले, तो कच्चा माल कहीं भी नहीं चल रहा है भाई। जब किसान को रेट नहीं मिलेगा, व्यापारी को 2 पैसे नहीं बचेंगे तो काहे के लिए गाड़ी है? नहीं तो जैसे कुछ में भी जैसे लोग चलाने जैसे उनको स्टार्टिंग करना है कि उनको मार्केट में घूमे, हर व्यक्ति जैसे नमक आता है, मिर्चा आता है, सब कुछ आता है, ऐसा थोड़ी मंडी में जाए जहाँ किराना का सामान चलता है, सब कुछ आता है, क्यों नहीं आता? हर किराना वाले से संपर्क करे भाई, वो मंडी में जाए, मिले सबसे, उठे बैठे कि भाई हमने भी गाड़ी ली है, तो उसके लिए मतलब घूमना ही पड़ेगा तुमको, वो तो मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा ये बताओ जैसे किसी को 250 किलोमीटर जाना है, हाँ, तो पैसे किस हिसाब से बताए, जैसे वही किलोमीटर के हिसाब से बताए? 7500 रुपए, 250 आना, 250 जाना 500 हो गया, 7500 रुपए भाड़ा और जो 2500 खर्चा पाना, मतलब 8000 रुपया। हाँ 8000। और ये भी रहता है जैसे कहीं कहीं ज्यादा भी रहता रेट, तो वो भाड़े अलग अलग रहते हैं। हाँ तो मतलब अपने हिसाब से भी देख लेना, क्योंकि सबके जो मार्केट है तो उनकी अलग अलग, जैसे किसी के यहाँ 16-17 का भी मिलता होगा वो तो किलोमीटर मार्केट के ऊपर है जहाँ पे। अभी ऐसा नहीं कमेंट करना भाई लोग के जैसे कि हमारे यहाँ 15-16-17 किलोमीटर रुपए चलती है, तो आपके यहाँ भी चलती होगी, आपके यहाँ शायद ज्यादा भी चलाते होंगे, कम भी चलता होगा। हमारे यहाँ तो इतना कॉम्पिटिशन है की जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो वही तो कह रहे हैं। तो इसलिए पहले जब भी जहाँ पर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर आप क्लियर मतलब पता कर लें कितने रुपए किलोमीटर चल रही है, उसी के बाद चल रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा गाड़ी की सलाह देना चाहोगे लेने के लिए? ये भी है कि अगर जैसे गाड़ी लेना चाहते हैं तो पहले मार्केट में देख लें, पहले किसी की गाड़ी चला लें, उसके बाद अपन को आइडिया लग जाएगा। हाँ हाँ उसमें आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अपन डायरेक्ट अगर गाड़ी ले लेंगे तो उसमें 2-4 महीने दिक्कत जाएगी, या फिर 2-4 महीने का बजट बना के चलो, ठीक है, 2-4 महीने किसी की गाड़ी चलाओ। हाँ हाँ तो जिससे अपन को पूरा आइडिया लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा, वो आदमी पहचानने लगेगा ना कि आप रवि भाई हो, नीरज भाई है, ऐसे कोई थोड़ी जानेगा ये बताओ आप। जैसे मान लीजिए आप ही अपन पिकअप उठा के चल दिए, तो किसी के पास भी जाएंगे तो तुरंत कोई हाँ नहीं बोलेगा कि हाँ हाँ हमारा माल ले जाओ, भाई उसको पहचानना भी तो जरूरी है कहाँ के हो आप कैसे हो। तो सबसे पहले किसी की गाड़ी चलाइए, उसी के बाद पहचान बनेगी, उसके बाद आपको भाड़ा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद तो फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 सब कोई जुड़ता जाता है। अच्छा बताइए जैसे कोई एक व्यक्ति के लिए सही है जैसे चला सकता है कोई गाड़ी, जैसे डबल ही चाहिए होता है कोई,
नहीं, जैसे गाड़ी चल रही है मतलब अब दूर जाएगी तो डबल तो होना ही चाहिए। जैसे एक तरफ से 500 किलोमीटर है लंबी गाड़ी चलना तो भाई देखो डबल आदमी चाहिए। और 200-250 ऐसा है कि एक आदमी चला लेता, 4-5 घंटे गाड़ी आराम से चला लेता, 12 घंटे तो कोई गाड़ी चलाएगा नहीं एक साथ में, ये रहता उसमें। वैसे अगर जैसे जिसकी गाड़ी चल रही है तो उसका घर खर्चा सब चल सकता है इससे? घर खर्चा चल सकता, उसकी किस्त निकल सकती, 2-4 हजार रुपए बचा भी सकता है इतना। और नहीं चलेगी तो भाई किस्त भी निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं चलेगी तब तो फिर भैया हाँ, तो उसमें दोनों है भाई, सोच समझ के लेना। सोच समझ के लेना, अभी हम किसी को सलाह नहीं देंगे इस साल। देखो मेहनत कर सकूं तो गाड़ी लो, और मेहनत अगर नहीं कर सकूं, अगर आपको ज्यादा मुश्किल लगे तो फिर मत लो गाड़ी। नहीं, अगर आपको सेम मेहनत करनी है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अपनी दूसरे की नौकरी करने से अच्छा 10,000 रुपए महीने में। हाँ जी, अपनी सेम की दूसरे का नौकर बनने से अच्छा है अपना मालिक बने रहो। मालिक। और गाड़ी के साथ क्या क्या सामान रखना पड़ता है, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह अपने हो गए? और सामान डॉक्यूमेंट तो पूरे हो गए। आज के समय बरसात में डबल तिरपाल वाली और एक कपड़े वाली अपनी, ये दो हैं। और इन गाड़ियों में तो जैक रॉड भील पाना स्टेपनी, बाकी और कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी रास्ता तरफ ऐसा है कि फ्यूज निकालने के लिए थोड़ा सा, बाकी इसमें रेंज रख के आपका कोई मतलब नहीं है। इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते BSX में, कोई नॉलेज ही नहीं है। ये है कि 12-13 की चाबी अपन को, जैसे बैटरी के तार खोलने हैं, नॉर्मल जो चीजें हैं तो उनके लिए तो ये चाबी होनी चाहिए, बाकी और कुछ काम नहीं रहता उसमें। और मेडिकल किट और अग्नि फाइल, हाँ अच्छा वो जरूरी है, वो उससे चालान वगैरह कर देते हैं, नहीं तो वो जरूरी है। चलो भाई ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। भाइयों लाइक और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं जिसको जो दिक्कत है, अपन थोड़ा बहुत जो भी हेल्प होगी अपन मैसेज के द्वारा करेंगे।